हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो मैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जो वीडियो बनाऊंगी आप तक पहले पहुँचेगी नोटिफिकेशन के द्वारा। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक रागा प्रोफेशनल का D10 रिमूवल क्रीम का, जो आपका विथ कोजिक और दूध का है। तो इससे पहले इसकी प्राइस की बात कर लूँ तो इसकी प्राइस जो है वो आपका है 49 रुपीज़ है, और सेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स की सेल्फ लाइफ है इसकी, और ये 12 ग्राम का ही है। ये D10 क्रीम जो है एक ऐसा क्रीम है जो आपके चेहरे और फिर स्किन को टैनिंग को हटाता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके इस्तेमाल से चेहरे के बालों का रंग नहीं बदलता है। यानी D10 क्रीम को चेहरे पर भी ब्लीच जैसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और ये D10 क्रीम चेहरे को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। तो ये हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा, ये इस तरह का एक क्रीम है पाउच में। तो ये D10 क्रीम है जिसे मैंने कट किया है, और ये क्रीम इस तरह का है। और फिर साथ में इसके साथ मैंने D10 क्रीम लगाने के लिए ब्रश रखा है, जिससे मैं फेस पे अच्छे से ये अप्लाई हो जाएगी मेरी क्रीम। और फिर मैंने इसमें D10 क्रीम को निकाला है, जो इतना सा ही है ये, जो हमारे फेस पे पूरे फेस पे कवर कर लेती है इतनी सी क्रीम। तो इस तरह से मैंने कटोरी में एक D10 क्रीम को निकाल लिया है। अब इसे मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी ब्रश की सहायता से। और यदि आपकी स्किन में धूप के कारण चेहरे पे टैनिंग हो गई है, दाग धब्बे हो गई, रूखापन हो गई है, तो आप ये D10 क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आप हमारी स्किन जो है वो दाग धब्बों से और फिर धूपों से ये क्रीम हमारी रक्षा करती है, और फिर दाग धब्बे को वो कम करती है। तो इस तरह से मैंने अपने फेस पर D10 क्रीम को अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे फेस पर। और ये D10 क्रीम जो है हमारी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, क्योंकि इसमें शहद, नींबू, दूध, टमाटर और अंगूर आवश्यक ऑयल के से बनाया गया है, जो हमारी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। अगर आप D10 क्रीम को नियमित रूप से उपयोग करते हैं तो आपकी स्किन की जो रंगत है वो हल्का करता है, और साथ ही हमारी स्किन को ये अच्छे से जो भी दाग धब्बे हैं उसे रिमूव करने में काफ़ी अच्छा। तो इस तरह से मैंने अपने D10 को 10 से 15 मिनट रखने के बाद मैंने इसे फेस पर मसाज किया है सर्कुलेशन मोशन में अच्छी तरह से। और आप जब भी ये दिया फेशियल कर रहे हैं तो उससे पहले आप अपने फेस पे ये रागा प्रोफेशनल का D10 रिमूवल क्रीम का यूज़ करें। इसे जब के बाद जब फेशियल का यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन अधिक ज़्यादा ग्लो करती है, तो इसीलिए आप ये D10 यूज़ करने के बाद ही आप कोई फेशियल करवाएं। इससे हमारे स्किन जो भी काले धब्बे दाग धब्बे होते हैं और टैनिंग होती है वो उसे भी हल्का करने में मदद करता है। तो इस तरह से मैंने मसाज कर लिया, कम से 5 मिनट मैंने मसाज की हूँ अपने फेस पर सर्कुलेशन मोशन पर धीरे धीरे अपने हाथों से। तो इस तरह से मैंने एक कॉटन की सहायता से अपने फेस को जो रागा D10 का प्रोफेशनल क्रीम को लगाया था, इसे मैं रिमूव कर लिया। और इस तरह से मैंने रिमूव किया, फिर वाटर से इसे पानी से धो लूँगी। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप D10 क्रीम यूज़ करते हैं तो उसके बाद आप रिमूव करने के बाद अपने फेस पर मॉइस्चराइजर का उपयोग ज़रूर करें, जिससे हमारी स्किन को कोई अधिक रूखेपन की महसूस नहीं होगी। और ये D10 क्रीम को यूज़ करने बाद मेरी स्किन इस तरह से वाटर से वॉश करने बाद इस तरह से मेरी स्किन जो है ग्लो कर रही है। और आप यदि इसे रेगुलर यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन को जितना भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। तो आई होप आपको मेरी ये रिव्यू पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जो वीडियो बनाएंगे अब तक पहले